हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हाल फिलहाल की, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एग्जाम आपका कितने घंटे का होगा, कितनी शिफ्ट में कराया जाएगा, किस तरीके का एग्जाम होगा इस साल। बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो इस वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इसी तरीके की सीसीएस यूनिवर्सिटी और बीएड की अपडेट्स के लिए तो चलिएगा इस फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का अभी कराया जाएगा वो 2 ईयर कोर्स के लिए कराया जाएगा, बीएड 2 ईयर कोर्स के लिए, ठीक है। और ये वाला जो सेशन होगा वो सेशन 22-24 होगा। अभी तक ये वाले बीएड के एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए जाते थे, अब इस बार जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती थी, इस बार महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपके ये बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। किस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको यहाँ पर नीचे अभी दिख जाएगी, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे 18 अप्रैल से। आप लोगों को कुछ 1 महीने का टाइम यहाँ पर मिलेगा अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा, 2 पाली में आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी आप लोगों के एग्जाम में, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/3 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को आपके पेपर देखने के लिए मिलेंगे, और 2 पेपर आपके होंगे, एक सुबह की शिफ्ट में एक इवनिंग शिफ्ट में, और एक पेपर में 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का आपका एक पेपर रहेगा, तो मॉर्निंग का एग्जाम मॉर्निंग वाला पेपर 3 घंटे का रहेगा और इवनिंग वाला पेपर 3 घंटे का रहेगा। हर पेपर में आपको 4 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे 2 पार्ट में। लैंग्वेज चूज करने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा, और इसके अलावा बात कर ले एंट्रेंस एग्जाम की फीस की तो वो पहले से कम इस बार रखी गई है। और बीएड की अगर एग्जाम बीएड की फीस के बारे में बात कर ले तो बीएड की फीस को भी पहले से थोड़ा कम किया गया है। तो गाइज, यही पूरी इन्फॉर्मेशन थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म के बारे में। और इसके अलग आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।